शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर जगत जननी माता दुर्गा का पट वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोला गया। पट खुलते ही एक ओर जहां माता के भक्तों की भीड़ पूजा पंडालों में उमड़ पड़ी, वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र ने झमाझम बारिश के साथ ममतामयी माता का स्वागत किया। इसके साथ ही सप्तमी तिथि पर माता की पूजा के लिए विभिन्न देव मंदिरों में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महोदय स्थित माँ कालरात्रि महाशक्ति नव दुर्गा धाम में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुँचने लगे। कुछ भक्तों ने इसी मंदिर में कलश स्थापना की है और नौ दिन पूजा कर रहे हैं। मंदिर प्रबंध समिति के अमित सैनी ने बताया कि माँ महाशक्ति कालरात्रि नव दुर्गा धाम में कलश रखकर पूजा करने वाले भक्तों के फलाहार के लिए नौ दिन की व्यवस्था है, साथ ही साथ उनके साथ आने वाले भक्तों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर की महिमा से जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसी कारण हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नवरात्र के अंतिम दिन 1008 कन्याओं का पूजन कराने की परंपरा पिछले 12 वर्षों से चली आ रही है। इस वर्ष भी कन्या पूजन के साथ ही उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन कराने के साथ ही दक्षिणा देकर विदा किया जाएगा। हजारों की संख्या में यहाँ पे माता रानी के दरबार में लगभग 500 से ऊपर कलश रखे हुए भक्त हैं, जो पूरे शाहाबाद से लोग आते हैं श्रद्धा से माता रानी के यहाँ 9 दिन रह करके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, फलहार करते हैं और माता रानी का पूजन करते हैं। और आज जो है सप्तमी है और सप्तमी के दिन यहाँ पे रात में बामर पूजन होगा, वो बहुत भव्य होता है। आशा करते हैं कि पूरे शाहाबाद में इतना सुंदर सप्तमी का जो है बामर पूजन मंदिर प्रांगण में कहीं नहीं होता है। हम अपने पूरे बक्सर और शाहाबाद के जितने भी मेरे भैया मेरे गार्जियन लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग पत्रकार लोगों के इसे आप लोग ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगेगा। और नौमी के दिन आग्रह करेंगे कि आप ज़रूर एक बार आए सभी लोग। और नौमी के दिन हमारे यहाँ 1008 कन्या पूजन है और एक कन्या के विदाई के रूप में हम लोग जो है कि नहीं पूरा बढ़िया से एकदम सिस्टम बनाए हुए हैं कि कन्या पूजन में जो है फल मीठा और वृक्ष दे करके कन्या का विदाई करेंगे अच्छा से सिस्टम से एकदम। जय माता है कि मंदिर के प्रति दिनों दिन लोगों का आस्था, माता रानी का इतना बड़ा कृपा है कि जो यहाँ पर एक बार आ जाते हैं वो चुंबक की तरह सटिया जाते हैं। जो माता रानी के दरबार में भक्त आ जाते हैं, माता रानी में इतना यहाँ शक्ति है इस मंदिर में कि ऐसे ऐसे भक्त यहाँ से जुड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं था और आज उनके पास मन और धन और हर चीज़। कितने वर्षों से यहाँ भंडारा होता है? मैं तो लगभग भंडारा तो लग रहा है कि लगभग 12 साल हो गया माता रानी के यहाँ, मैं 12 साल से जुड़ा हूँ इसलिए 12 साल कह रहा हूँ। लगातार 12 साल से दोनों नवरात्रि में एकम से लगा के और आपका दसवीं तक लगातार जो है भंडारा चलते ही रहता है। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि माता रानी के दरबार में जितने भी लोग आ जाएं, अगर लाखों की संख्या में आए तो एक भी भक्त हम लोग छूटा ऐसे बिना प्रसाद ग्रहण कराए उनको नहीं छोड़ते हैं। पूछ करके एकदम जा करके दरबार से उठा करके प्रसाद जरूर ग्रहण करा। फलाहार की अलग व्यवस्था थी और जो लोग उनके साथ आए उनके लिए अलग। सबसे बड़ी बात यही है कि जितने भी जो नवरात्रि में भक्त व्रत किए हैं उनके लिए जो व्यवस्था है उनके लिए अलग व्यवस्था है, और जो लोग व्रत में नहीं है वो माता रानी के बाएं साइड में पंडाल लगा हुआ है वो वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, और व्रत वाले जो है ऊपर में उनके लिए स्पेशल फलहार बनता है सुबह में भी और शाम में भी। इस मंदिर की महिमा सुनकर वाराणसी से पहुंचे पुजारी शिवम तिवारी ने बताया कि यहां आने पर उन्हें एक अलौकिक अनुभूति हुई। उन्होंने बताया कि यहां जिस प्रकार से भक्त पहुंच रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, वह कहीं ना कहीं यह बात प्रमाणित करती है कि यहां माता अपने जागृत स्वरूप में है और यहाँ पहुँचने वाले हर भक्त का कष्ट हर लेती हैं। बहुत बढ़िया लगा। मैं तो बनारस से हूँ, मैं बनारस से पहली बार यहाँ बक्सर में आया हूँ
तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे अच्छा लगा, कलश यात्रा हुआ, बाकी सब यहाँ की सब और यहाँ पूजन हवन बाकी सब सभी काम बहुत बहुत बढ़िया से और बहुत खुशी दृष्टि से हो रहे हैं। यहाँ किसी सभी लोग माता की प्रसन्नता उत्पन्न होती है, सब लोग माता की कृपा की दृष्टि से होते हैं, सभी लोग मिले, सब लोग को माता से प्रेम है, इसलिए बाकी सब लोग यहाँ सभी काम बहुत अच्छे से किसी में कोई त्रुटि की सह नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई मन भक्त सबके पास भक्तहीन जो भक्त का हीन होता है भक्त का मन होता है, माता के प्रति बहुत अदा प्रेम है सबके प्रति, इसलिए यहाँ सभी काम सब बढ़िया से होते हैं, सभी सफल और आमंत्रण जो भी है वो कार्य दूर होते हैं। जो भी चीज यहाँ भक्तगण आए हैं, जिस कार्य के लिए जिस मनसा के लिए आए हैं माता के दरबार में, माता से माता देखते हैं कि हे माता हमारे जो भी दुष्ट कष्ट है जो है वो साधारण हो इस काम में, तो वो सब माता की कृपा दृष्टि होती है, जब माता कृपा करे तो सबकी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। हमारा प्रतिष्ठ में है कि हम लोग यहाँ सब लोग भक्त को ऊपर जो भक्त आते हैं जो दृष्टि से आते हैं यहाँ बहुत सारे कलश वो भक्त हैं जो कलश स्थापित करते हैं, यहाँ बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को पूर्ण कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम तिवारी है। नाम लेकर के आराम से जय माता दी अर्धकुमारी वैष्णव।